क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 देखा था, इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो जरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट व्हिच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर्स नंबर ऑन द नंबर्स लाइन, आल्सो राइट देम विद द एप्रोप्रिएट साइन ग्रेटर देन एंड लेस देन बिटवीन देम। हमें करना क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी डिजिट दी गई है उसमें हमें राइट मींस ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन करना है। तो चलिए इससे पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए एग्जांपल से इसे समझेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि हम आपको एक नंबर्स लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को पता होगा सेंटर में आप लोगों का क्या आता है, जीरो, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों की साइन आती है माइनस, जैसे -2 -3, ओके, और यहाँ पर आपकी आती है प्लस की, मतलब 1, 2 एंड 3। जहां पर आपकी डिजिट इंक्रीज होती है वो आपका होता है राइट साइड, और जहां पे आपकी डिजिट डिक्रीज होती है वो आपका होता है लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हो मैंने 48 और यहाँ पे लिखा हो 32। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि 48 लार्ज या 32, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे राइट करेंगे 48, यहाँ पे राइट करेंगे 32। सो यहाँ पे कौन सी डिजिट लार्ज है, जो डिजिट आपकी लार्ज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, फेस ऑन रखना है। तो ये आप लोगों का शो हो गया। अब हमें ये बताना है जो स्मॉल डिजिट है वो किस साइड आएगी। तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा स्टूडेंट्स कि 32 इज ऑन द लेफ्ट साइड। जो 32 होगा वो आपका कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। क्यों आएगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने आप लोगों को कहा स्टूडेंट्स जो डिक्रीज वैल्यू होती है वो कहाँ आती है आपकी, लेफ्ट साइड। देखिए आपकी जो 32 है वो कहाँ आने वाली है आप लोगों की, लेफ्ट साइड आने वाली है। क्यों आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर डिजिट क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए का जो लिखा है 530.503। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपकी साइन है ग्रेटर देन या लेस देन, आपको ये याद नहीं रखना है तो कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिजिट आपकी लार्ज है उसके ऊपर आपको क्या करना है, आपका जो माउथ है उसे ओपन करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले हम राइट करेंगे 530, उसके बाद राइट करेंगे 503। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी डिजिट लार्ज है, 530 या 503। तो ऑब्वियसली आपको देखना है कि 530 आप लोगों की क्या है स्टूडेंट, लार्ज है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी तरफ फेस ऑन कर देंगे, मींस माउथ आपका ओपन कर देंगे। अब हमें यहाँ पे बताना है क्या, इसे नंबर लाइन का बताना है। मैंने आपको कहा था कि नंबर साइन में लेफ्ट साइड की वैल्यू कैसी आती है, कम आती है, मींस छोटी आती है। तो 503 किस साइड आएगी, तो लेफ्ट साइड आएगी। तो हम लिखेंगे आंसर में, सो 503 इज लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। क्लियर स्टूडेंट बच्चों, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपका लिखा हुआ है 370.307। यहां पर भी आपको क्या करना है, डिजिट आपको देखनी है कि 370 और 307। तो अभी आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले लिख देना है आपको, पहले जो आपका लिखा हुआ है 370 स्पेस छोड़ के यहाँ पे लिख देना 307। मैंने कहा था जो डिजिट आपकी लार्ज है उसकी तरह आपको क्या करना है, आपको जो फेस है उसको ओपन करना, मतलब माउथ। तो माउथ ओपन करिए, मतलब डिजिट आपकी क्या होगी स्टूडेंट, लार्ज होगी। उसके बाद हमें ये बताना है कि जो स्मॉल डिजिट है मीन्स 307 ये कौन से साइड आएगी। तो मैंने कहा था कौन से साइड आएगी स्टूडेंट, लेफ्ट साइड लिखेंगे। सो 307 इज लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। कहां पे आएगी बच्चों, लेफ्ट साइड आएगी। क्यों आएगी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 98,765.58,789। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम पहले डिजिट राइट कर देंगे 98,765, स्पेस दे देंगे बच्चों, फिर लिखेंगे 58789। अब मैंने कहा था जो डिजिट आपकी लार्ज हो वहां पर आपको क्या करना है, माउथ ओपन रखना है, ग्रेटर देन लेस देन भले आपको लगनी हो लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, जो डिजिट लार्ज है उसकी तरह आपको क्या कर देना है, माउथ ओपन कर देना है। अब हमें यह बताना है कि नंबर लाइन पे कौन सी स्मॉल डिजिट आएगी। सो 5,058,789 इज ऑन द लेफ्ट साइड।
कौन सा साइड है जी? लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। क्वेश्चन नंबर आपका डी है, लास्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे स्टूडेंट की रीड करके लिखा हुआ है 9,83,415 और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 10,23,001। तो यहाँ पर भी आपको देखो स्टूडेंट्स कौन से डिजिट लार्ज है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, लिखेंगे आप 9,83,015 और लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे 1,00,23,001। अब यहाँ पे आप देखिए ये डिजिट आपकी लार्ज है या फिर ये डिजिट लार्ज है, तो आपको नहीं समझ में आया तो क्या करोगे, डिजिट काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट 8 डिजिट का है, मीन्स ये डिजिट आपकी लार्ज है। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे साइन कर दोगे, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, लेस देन ग्रेटर देन, अगर आपको लव नहीं होगा तो आपको ये याद रखना है कि जो साइन आपकी बड़ी है उसी के आगे आपको क्या करना, माउथ ओपन कर देना है। अब उसके बाद हम लिखेंगे सो 9,83,415 इज लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हेडिंग आप 8 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोगों, जिसमें हमें क्या करना है बच्चों, 2 और 4 करना है। तो जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ा वही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा कि कहां पे आपका ट्रू आएगा और कहां पे आपका फॉल्स आएगा बच्चों। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है। सो मैंने डेफिनेशंस में लिखी थी, जो नेचुरल नंबर आपका होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और यहां पर उन्होंने कहा है कि 0 से स्टार्ट होता है, कि 0 उसका स्मॉलेस्ट नंबर है। तो 0 उसका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता, उसका स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों का क्या होगा बच्चों, फॉल्स होगा। क्लियर। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 400 इज द प्रीडिसर ऑफ 399। मतलब 399 का प्रीडिसर क्या होता है गाइस स्टूडेंट्स, 400। आपको ये भी पता होगा कि प्रीडिसर में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं, मींस 399 का जो प्रीडिसर आना चाहिए था 398 आना चाहिए था और यहां पर उन्होंने क्या है कि 400 है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो बच्चों मैंने डेफिनेशन में कहा था कि जो होल नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3 सो एटसेट्रा, सो दैट इज कॉल्ड होल नंबर। तो 0 उसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा बच्चों, ट्रू होगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखा हुआ है 600 इज द सक्सेसर ऑफ 599। मींस 599 का सक्सेसर जो होगा वो 600 होगा। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि 599 में आप 1 प्लस करते हो तो आपका क्या आ जाएगा, 600। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ई आपका, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं। तो आप लोगों को डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको कहा था कि जो नेचुरल नंबर जो होता है वो कहां से स्टार्ट होता है आपका, 1 से होता है और होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो नेचुरल नंबर जितने भी होंगे वो ऑलरेडी होल नंबर्स में आपके जरूर आ जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। ऑल होल नंबर मतलब जितने भी होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो स्टेटमेंट कैसा होगा स्टूडेंट्स, रॉन्ग होगा, क्योंकि होल नंबर स्टार्टिंग कहां से होती है, 0 से। तो जिसके अंदर नेचुरल नंबर आने वाला नहीं है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा है जी में, द प्रीडिसर ऑफ ए 2-डिजिट नंबर इज नेवर सिंगल डिजिट नंबर। मतलब 2-डिजिट का कोई भी जो नंबर होगा उसका प्रीडिसर कभी भी सिंगल डिजिट नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा स्टूडेंट, फॉल्स होगा। कैसे, अगर मान लीजिए 48 आपको दिया गया हो, क्या दिया हो 48, और प्रीडिसर में क्या करते हैं हम लोग 1 माइनस करते हैं तो आपका क्या आ गया 47। तो जरूरी नहीं कि सिंगल डिजिट आए, वो डबल डिजिट भी आ सकता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। चलिए उसके बाद एज में लिखा हुआ है 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर।
डेफिनेशंस में जैसे हम लोगों ने बात की थी कि होल नंबर स्टार्टेड कहां से होता है, जीरो से, तो वन उसका स्मॉलेस्ट नंबर कहां से हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा स्टूडेंट, जीरो। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आई स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ था नेचुरल्स नंबर वन हैज नॉट बीन रिसर्च। सबसे पहले हमें ये चीज याद रखना है कि नेचुरल्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, तो बच्चों नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है, तो उसका हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, नहीं है स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रू हो जाएगा। चलिए उसके बाद जे नंबर में लिखा हुआ था ऑल नंबर्स वन हैज नॉट बीन रिसर्च। स्टूडेंट्स देखिए लिखा हुआ है कि वन का भी आप रिसर्च नहीं कर सकते जो किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होगा कि होल नंबर्स का प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो कि 1 में से हम 1 माइनस करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, जो कि होल नंबर से क्या होता है बच्चों, रिलेटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बच्चों, फॉल्स। उसके बाद के नंबर में लिखा हुआ था होल नंबर्स 13 लाइज बिटवीन 11 टू 12, मतलब 13 जो होगा वो 11 एंड 12 के बीच में आएगा, तो 11 और 12 के बीच में 13 नहीं आ सकता, तो ये भी आपका क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो गया। उसके बाद एल में लिखा हुआ था होल नंबर्स 0 हैज नो प्रेडिसर्स, मींस होल नंबर्स का 0 का प्रेडिसर्स नहीं कर सकते, तो ये चीज एकदम आपकी क्या सही है, क्योंकि होल नंबर जो होता है वो स्टार्ट कहां से होता है, 0 से, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बच्चा क्या है, ट्रू है। चलिए उसके बाद एम जो आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, द सक्सेसर ऑफ टू डिजिट नंबर ऑलवेज इन टू डिजिट नंबर। बच्चों इसको आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें कहा गया कि टू डिजिट का अगर कोई नंबर लेते हो तो उसका ऑलवेज टू डिजिट ही आएगा, तो ये चीज जरूरी नहीं है। जैसे हम लेते हैं स्टूडेंट 99, क्या लेते हैं बच्चों 99, उसमें हम 1 प्लस करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 100 हो जाएगा। तो जिससे देखिए कहा था कि टू डिजिट लो तो उसका हमेशा टू डिजिट आएगा, तो मैंने टू डिजिट लिया, जिसमें मैंने 1 प्लस कर दिया तो आपका क्या आ गया 100, मींस ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है स्टूडेंट्स, फॉल्स है, क्योंकि आप अगर 99 लोगे तो आपका 3 डिजिट बन जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया। स्टूडेंट इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।